आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और मूंगफली के लड्डू। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़ 400 ग्राम, मूंगफली 250 ग्राम, ये मूंगफली हम भून के छिलका निकाल के रखे हैं, और तिल 250 ग्राम, इसको भी हमने भून के रख दिए हैं। ये लड्डू तिल और मूंगफली के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। पहले हम कढ़ाई में गुड़ को डालेंगे, फिर उसको लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहे तो इसमें 2-4 स्पून पानी डाल सकते हैं ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, अभी इसमें थोड़ा सा हम नींबू निचोड़ेंगे। नींबू डालने से ये चाशनी अच्छा बनता है। फिर इसको लगातार चलाते रहेंगे। चाशनी बना के नहीं देखने के लिए हम थोड़ा सा गुड़ पानी में डालेंगे और इसको ऐसे खींच के देखेंगे तो तार जैसे निकलेगा, तो ये हमारा चाशनी तैयार है। फिर उसमें हम मूंगफली डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। उसके बाद उसमें तिल डालेंगे और लगातार चलाते रहना है। अभी गैस को बंद कर देते हैं और उसको गर्म रहते हुए ही हमको लड्डू बनाएंगे। उसको लगातार चलाते रहना है और ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा होने से पहले ही इसको लड्डू बना देना है। ये हमारा लड्डू तैयार हो गया। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद।